का नाम है, हम सारे कर्ताओं ने क्या बताया हुआ मैं बताया धन्यवाद श्री अमल लगा आपने लगातार पिछले दिनों अखबारों में रेडियो में टेलीविजन के ऊपर
खबर देखी हो, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर बहुत प्रचार किया कि सारे कांग्रेसी अवेक हो गए और सारे कांग्रेसियों को एक करके कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है, जिनको इस चुनाव के समय में एक मिनट की फुर्सत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी जो पूरे देश के अंदर अपने उम्मीदवार बढ़ाती है। आज यहाँ पर इतना जिम्मेवार व्यक्ति हो जो अध्यक्ष के बाद नंबर दो पे आए, उसको तो फिर बात करके चलो इस बात का समय भी नहीं होगा कि वो कहीं अपने ऑफिस को छोड़ करके जब तक सारे प्रत्याशी मैदान में ना आ जाए तब तक जा सकते। बावजूद उसके हरियाणा प्रदेश में कैसे कांग्रेस को लोगों के बीच में इस ढंग से पेश किया जाए कि कांग्रेस के सारे नेताओं ने अपने मतभेद बुला करके और अब इकट्ठा होकर के प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़े। आपने देखा होगा गुड़गांव के अंदर एक बस मंगाई गई, अब उस बस के अंदर दो खिड़कियां स्कूल की बस हो, पेट्रोल की बस हो, प्राइवेट बस हो, ये तजुर्बा बस थी, इसमें पीछे खिड़की नहीं थी, आगे की खिड़की थी, आगे की खिड़की के ऊपर गुलाम नबी आजाद सुबह सुबह आकर के खड़े हो जाते थे। उनका एक असिस्टेंट था जो रजिस्टर्ड था, एक एक नेता को बस में बैठाते थे, उस रजिस्टर में उसका नाम लिखते थे, उसके नीचे उसके दस्तखत करा देते थे। जब सारे चढ़ जाते थे तब फिर बस के अंदर पत्रकार साथियों को बुला करके फोटो खींचा करके कहते थे कि कांग्रेस के सारे लोग जो है आपसी मत के बुला करके एक हो। इसे पत्रकार साथी ने पूछ लिया कांग्रेस का जो उनका असिस्टेंट था उससे कि इस बस में खिड़की दूसरी क्यों नहीं, तो आगे से उसका जवाब था कि वो दूसरी खिड़की होती तो फिर मार्केट में आगे से चढ़ते पीछे से उतरते। चुनाव में कैसे गरीब आदमी का वोट हासिल किया जाए, इसके लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का वायदा कर दिया कि हम 70,000 रुपये गरीब आदमी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में और ज्यादा बड़े बड़े वायदे किए। पिछले 5 साल में जो वायदे किए थे, चाहे वो ऑनलाइन पेंशन का मामला था, जय स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, 15 लाख रुपये जनधन योजना के तहत देने की बात थी, 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी की बात है। 5 वर्ष के अंदर ना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी और ना ही 5 साल के अंदर 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी, ना किसी के खाते में नया पैसा आया। केवल और केवल 5 वर्ष तक ऐसे सत्ता में रहे जिसके लोगों के सामने इस किस्म के वायदे करके लोगों का वोट हासिल कर लिया और हम नए वायदे करके फिर से लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं। आज देश में जो है ना कांग्रेस सत्ता की तरफ बढ़ रही और ना भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग देखना चाहते। आज इसीलिए कभी कहते हैं हमें चौकीदार, चौकीदार कहते हैं हम चौकीदार किस काम के लिए रखते हैं। चौकीदार रखा जाता है कि घर से अगर घर के सारे मेंबर कहीं आते उधर चले जाए किसी रिश्तेदारी में शादी में चले जाए तो उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो घर में चोरी ना हो, घर में उठाए ना, उजाड़ ना हो। और ये वो चौकीदार है जिन्होंने 5 वर्ष तक इस देश को लूटने का काम किया। तो चौकीदार बन गए तो फिर आप ये मान के चलो देश तो बर्बाद हो जाएगा। हमारे यहाँ पुरानी बात है, अगर खेत बाढ़ खेत को खाने लगे तो फिर खेत में फसल कहां से हो। आज बीजेपी की आदत ऐसी है जो 10 की 10 सीट जीतने की बात करते हैं
जिन्होंने अपनी सीटें अनाउंस करने के बाद दो जगह सभाएं रखी। पहली सवाल की थी इन्होंने फरीदाबाद, और फरीदाबाद में जो सवाल की थी उसमें कृष्ण पाल गुर्जर जो इनका मंत्री है उसको उम्मीदवार बना चुके फरीदाबाद में लिखी थी, साथ में कलराज मिश्र जो इनका लोकसभा का प्रभारी है, और वहां दो इकट्ठे होके दोनों इकट्ठे होकर के जैसे ही कृष्ण पाल गुर्जर मंच से खड़ा होकर के बोलने लगा, आपने टेलीविजन पे देखा होगा अखबार में पढ़ा होगा कि दोनों ने उसे बोलने नहीं दिया। लोगों ने एक ही बात कही कि 5 वर्ष तक आप कहां थे, हमने आपको लोकसभा का मेंबर बनाया, एक एक वोट दिया, हमने वोट देकर के आपको लोकसभा में भेजा, लोकसभा में आप मंत्री बन गए, हमारे सामने 5 वर्ष तक जो दिक्कत थी जो कठिनाइयां थी आपने आते जाते बस अपनी गाड़ी रोक करके भी किसी 4 आदमियों से भी पूछा कि आपको क्या लगता है, हमें बिजली नहीं मिलती थी, हमारे हिस्से का पानी पंजाब रोड के बैठा हुआ था, हमारे यहाँ पे बच्चों को रोजगार और नौकरी नहीं मिल रही थी, गाँव में विकास के काम नहीं हो रहे थे, तो आप कहाँ थे, उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसको बोलने नहीं दिया गया, आखिर बैठ गया। उसके बाद जैसे कलराज मिश्र खड़े होकर के बोलने लगे तो लोगों ने उससे भी ज्यादा बड़ा विरोध कर दिया, उन्होंने पूछा मेरा विरोध क्यों कर रहे, लोगों ने कहा कि मैंने उस व्यक्ति को टिकट दिलवाया है जिसने हमारी पहले 5 वर्ष तक अनदेखी करी थी, अब फिर इसको टिकट देकर के लेकर के आगे हो तो फिर ये मान के चलो कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देने वाले का विरोध करना भी हमारी जिम्मेवारी बन जाए। जहां कृष्ण पाल गुर्जर का विरोध हुआ वही धर्मवीर जो है प्रिया इसके आपके नजरगढ़ भिवानी से जो सांसद है जो पहले तो चुनाव छोड़ करके भाग रहे थे, जो ये कह रहे थे चुनाव लड़े नहीं, हमने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो टिकट लेकर के फिर से मैदान में आने, मैदान में आने के बाद पहले जब बाड़ा के हल्का के गांव चिड़िया में गए, और चिड़िया गांव में जो गया तो उसके साथ भाका लोकल विधायक था जो बीजेपी से, और दोनों जब जाने लगे मंच की तरफ आगे बढ़ने लगे तो लोगों ने जाके मंच के ऊपर कब्जा कर लिया, जिस माइक से उन्होंने भाषण देने थे उस माइक से लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, और लोगों ने यहां तक कहा वो कहने लगे कि हमें अपनी बात कहने, वो कहने लगे कि हम तेरी बात सुनने नहीं आए, हम तो आप लोगों का विरोध करने के लिए बड़े मजबूर होकर के अपनी गाड़ियों में बैठ करके उस गांव से वापस जा रहा। भाजपा के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है, भाजपा के प्रति एक बहुत बड़ा लोगों के मन में आज जो है इस बात को लेकर के चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया, यहाँ प्रदेश का भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया, वही सबसे बड़ी बात एक और है। अभी जाप की बात चल रही थी, कोई जाप की बात कर रहा था, कोई रोड की कर रहा था, कश्यप कर रहा था, चौधरी देवलाल ने हमेशा 36 जात के लोगों को साथ लेकर के अपनी राजनीति की, आपके सामने बड़ा उदाहरण अशोक अरोड़ा जी ने बड़े खुल करके बताया कि उन्होंने कितने ही ऐसे लोगों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने का काम किया जिनकी कहीं कोई पहचान नहीं थी। चौधरी देवलाल जो है केवल एक ही बात लोगों के बीच में कहा जाते थे कि इस देश के अंदर 2 वर्ग के लोग हैं, एक तो मेरा है एक लुटेरा है, लुटेरा वो है जिसके पास अथाह पैसा है, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, ये जो इस किस्म के लोग हैं जो बैंकों से लाखों हजार करोड़ का लोन कर लेते हैं उसमें हजारों करोड़ की सब्सिडी लेकर के खा जाते हैं और फिर उस बिल को चलाने की बजाय उसको सिक्योरिटी बना करके उसमें से माल निकाल करके उस सरकार के जिम्मे छोड़ देते हैं, हर बैंक को मजबूर होकर के उनके ऊपर जो चढ़ा हुआ कर्ज है उसको माफ करना पड़ता है। मेरा वो है जो हाथ से कमा करके चाहे वो खेती करके कमाई कर रहे हैं, चाहे कोई छोटी छोटी दुकान चला करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी पेशा करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाने का काम करता है, अपने घर का गुजारा करता है,
आज भी इस सरकार ने जब कमजोर वर्ग के लोगों को कमजोर करके लुटेरों को मालूम मार करने का काम किया, उसका उदाहरण अशोक कोटा जी ने दिया कि किस तरह से स्वामीनाथन की रिपोर्ट ना लागू करके किसान को कमजोर कर दिया और उसको ज्यादा देने की बजाय जब वो धान की फसल बाजार में बेच दिया तो 250 से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से कम दिए, 500 रुपए 6 माह के हिसाब से फसल बीमा योजना के नाम पे दे दिए। कभी मक्की बेचने वाले किसान को खुले में बेचने पे मजबूर कर दिया। आज सरसों की बपर फसल हरियाणा में हुई और किसान जब बाजार में सरसों बेचने गया तो सरकारी भाव को 4500 रुपए और उसको 4200 के बजाय 3500 रुपए बेचने पे मजबूर कर दिया, 1000 रुपए दिया। कैसे किसान कमजोर हो, पहले जो सरकार ने इस बात की योजनाएं बनाई इसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, पहले हमें आर्थिक रूप से कमजोर किया और फिर हम सामाजिक रूप से कैसे आपस में बटे उसके लिए योजना बनाई। जब जागरण आंदोलन चल रहा तो हमारे गांव में 36 लाख के लोगों का आपसे एक भाईचारा है। आज भी किसी प्रदेश में देश के किसी कोने में जाओ कोई आपसे पूछे कहां से आए, जब आप कहते हो कि मैं हरियाणा के करनाल से हूं तो 100 फीट के अगला सामने से चल करके कहता है कि आप उस प्रदेश के हो जिस प्रदेश का भाईचारा दुनिया और देश में जाना जाता है। आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि अगर दो आपसी परिवारों के रिश्ते ठीक नहीं है और उस परिवार में से एक परिवार की बेटी किसी दूसरे गांव में प्यारी हुई और पड़ोस के घर में कोई दूसरे परिवार का व्यक्ति किसी से मिलने चला जाता है और उसको जाने के बाद इस बात का पता लगता है कि पड़ोस के घर के अंदर ये विरोध की बेटी है तो वो फिर इस बात को भूल जाता है कि वो तेरा विरोधी है, छोड़कर ये सोचता है कि तेरे घर गांव की बेटी है और जाकर के उसको 10 रुपये देकर के उसको चुटका के कहता है, उसको बड़ा मान सम्मान देता है और उसको इस बात का एहसास कराता है कि चाहे हमारा आपस में कितना भी व्यवहार है लेकिन जहाँ भाईचारे की बात आती है तो फिर हम सब एक ही रह जाते हैं। हम तो उस भाईचारे के साथ कच्चे रहने वाले लोग, इन्होंने राजकुमार सैनी जैसे लोगों को, इन्होंने दूषण आधारिय जैसे लोगों को, इन्होंने मनीष गरोड़ जैसे लोगों को, किशन बेदी जैसे लोगों को पीठ पे हाथ रख करके रोजाना ये स्टेटमेंट दिलवाई कि कहीं ना कहीं हमारा आपसी सामाजिक रिश्ता जो है गाँव के अंदर भाईचारा खत्म हो गया। इन्होंने तो एक जात को अलग थलग करने के लिए बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम चलाए, लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती को एक साल तक सद्भावना के रूप में मना करके फिर से देश जैसे आपसी भाईचारे को कायम करने का काम किया। हमें तो केवल और केवल एक बात को लेकर के लोगों के बीच में जाना है कि जहाँ हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने वाले लोग हमारे बीच में आए, जिन लोगों ने हमें सामाजिक रूप से तोड़ना चाहे, आज वो लोग हमें सामाजिक रूप आज वो लोग राजनीतिक रूप से भी खत्म करना चाहते। आज आप देखने वाली बात आप कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के अंदर जो लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो 1000 करोड़ का मालिक, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार वो खनन का माफिया है जिसने 1000 करोड़ रुपए दे पेश करके कमाए, इसी तरह तीसरा जो बीबी शर्मा वहां चुनाव लड़ रहा है उसने भी लोगों की बेशक कीमती जमीन को हुड्डा की सरकार ने दबा क्या की रोटी खिला करके सस्ते में खरीद करके बड़े बड़े वोट लेकर के 1000 करोड़ का कमा लिया। आज वो लोग जिनके पास सारा का सारा पैसा है चोरी का, जिन्होंने टैक्स की चोरी की, जिन्होंने लोगों की गाड़ी को पसीने की कमाई को लूट करके अपने पास हथियार निकल कर वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी और ज्यादा ताकतवर होना चाहते हैं, उस पैसे के बलबूते के ऊपर सत्ता हासिल सत्ता में आना चाहते। अगर ऐसे लोगों के दाव भरे
तो फिर मार्केट के चलो किसान को तुम जरूर देखिए मार्केट चलो जो देवलाल को कहते थे कि अगर कहीं कमेरे वर्ग के लोकसभा विधानसभा में नहीं है तो ये लुटेरे उस कमेरे को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश पिताला जी ने चौधरी देवीनाथ की नीतियों को आगे बढ़ा करके इस बात का फैसला लिया कि हम कमेरे वर्ग के लोगों को टिकट दे करके लोकसभा और राज्यसभा में जाना चाहिए। हमारे जवान में सैकड़ों करोड़ के लिए लोग राज्यसभा की लेकिन ऐसे लोगों को राज्यसभा में चौधरी ओम प्रकाश पिताला और चौधरी देवीनाथ ने भेजा जिनके पास फार्म भरने के लिए 5,000 रुपये रामकुमार कश्यप को जिसकी राज्यसभा की टिकट का फैसला किया गया अशोक अरोड़ा जी अपना दोनों दादा साहब से मिलेंगे। इन्होंने कहा कि जाओ जाकर के रामकुमार कश्यप का फार्म भरो। मैंने रामकुमार कश्यप जी को फोन करके कहा कश्यप राम आप चंडीगढ़ आओ और चंडीगढ़ जब आओ तो अपने साथ के अंदर फैमिली स्टेटमेंट लेकर के आओ। आपने इनकम टैक्स में काम क्या देना है वो बताना। हमने आपका एक फार्म भरवाना है। रामकुमार कश्यप ने आगे से कहा कि मेरे पास ना तो बैंक बैलेंस जीरो बैंक बैलेंस ना मैं कभी जब जिंदगी में आकर रिटर्न भरी ना मैं कभी बैंक में गया। मेरा तो जो छोटा मोटा खर्चा चल रहा है मेरा बेटा सर्विस में उसकी वजह से काम कर रहा। मैंने उनसे कहा फिर भी कोई ना कोई 10 कागज तो जरूर देकर के आना बैंक से दिखा के आना कि कोई कर्जा नहीं गया। बोला बैंक में खाता ही नहीं तो कर्जा देना मैं अशोक अरोड़ा जी दोनों बैठकों के फार्म भरवाए। जब फार्म कंप्लीट हो गया और जब हमने विधानसभा के सेक्रेटरी के सामने फार्म रखा सेक्रेटरी ने उस फार्म को देख करके कहा कि ठीक है बिल्कुल गई है तो लेना इसको जमा कर ले तो कहने लगे 5,000 रुपये दो। मैंने रामकुमार की तरफ देखा तो सरकार की तरफ कहने लगे मेरी जेब तो 5,000 वो 5,000 की अपने अपनी जेब से दी। मेरा कहने का मतलब है बात पैसे 5,000 की 10,000 की जाती नहीं बात ऐसे व्यक्तियों को मान और सम्मान दिया जिनकी कास्ट को जिनकी गोद को नहीं कोई भी आदमी राजनीतिक तौर पर ताकत नहीं देता जो उनको कमजोर करके रखा जाता जो उनको दबा के रखते थे चाहे कुमार था चाहे कश्यप था चाहे कोई आपका बाजीगर था चाहे कोई और जाति से समझते कोई बोध था इस तरह के अनेक लोगों को डेढ़ साल में एमएलए और एमपी बनाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह के लोग नहीं है। कांग्रेस के पास तो इस तरह के लोग हैं जिनके पास अच्छा पैसा है जिनको गरीब में बंधुआ किए जो गरीब आदमी को अपने घर के टिकट नहीं दे देता ये उन लोगों को टिकट दे करके कहीं सत्ता हासिल करना चाहिए। आपके करनाल में भी ऐसा ही काम था। करनाल के अंदर कांग्रेस का उम्मीदवार भी ऐसा आया था जो कभी लोगों के बीच में नहीं रहा। बीजेपी ने जिसको उतारा है उसकी तो शक्ति नहीं देखी होगी लेकिन हम जो टिकट दे करके जिसको उम्मीदवार बना करके जाएंगे होगा वो पिछले पार्टी का मजबूत साथी होगा मजबूत कार्यकर्ता होगा पार्टी में पहचान होगी वही सामाजिक तौर पर भी उस आदमी की बड़ी पहचान होगी कि इससे समाज के बीच में रह करके भी अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम उम्मीद करूंगा कि पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है आप उसको ना ना कोई उसकी मदद करने में कोई कमी आएगी भावना है आपका मन चाहे आपके बीच में उतार करके अपने नाम की सीट को जिताने का काम करेंगे। आप हमारे बात की आपको धन्यवाद।
लगाओ आ जाओ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, आज लोकसभा चुनावों से पहले एक अहम बैठक करनाल में की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारी पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे जिला परिषद का, हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ पहले बैठक करती है, बातचीत करती है, उनसे किसको उम्मीदवार बनाया जाए, इसके लिए नाम दिए जाए। हमारे पास नाम पहले से आए हुए हैं। आज तो हम कार्यकर्ताओं से फिर से ये पूछने आए थे कि हम 15 तारीख को आपके उम्मीदवार जो हैं उनकी अनाउंसमेंट से आप अपनी तरफ से कैसे चुनाव लड़ा जाए, किस आदमी को उम्मीदवार बनाया जाए और किस तरह के समीकरण बने, उन सब से आज फिर कार्यकर्ताओं की राय जानने आए। और कार्यकर्ताओं ने जहां अपनी अपनी राय दी, वहीं उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इस बात का अख्तियार भी दे दिया साथ साथ कि आप जिसको भी उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजोगे, हम उसकी तन मन धन से मदद करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो लोकसभा के चुनाव में करनाल से जीत करेंगे। सर बीजेपी ने 8 की घोषणा की है लेकिन 2 अभी बाकी छोड़ी है, तो क्या लगता है कि क्यों 2 अभी तक घोषणा नहीं कर पाए? आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग 10 सीट जीतने की बात करते हैं उनके पास 10 उम्मीदवार नहीं है। अगर 10 उम्मीदवार होते तो 10 के 10 इकट्ठे के इकट्ठे घोषित करते। हम 15 तारीख को 10 के 10 की घोषणा करते। सर एक आदमपुर में जो गांव है दुष्यंत चौटाला ने गोद लिया था, आज भी उसकी वैसे की वह आदर्श गांव नहीं बन पाया। अगर एमपी का ढोल ठीक होता, मैंने लिए आदर्श गांव गोद, जाकर के देख करके चंडीगढ़ से भी ज्यादा खुश। कब तक आपकी डिक्लेयर होने की उम्मीद है? टिकटेगी बताए ना, 15 तारीख को करेंगे। और जातिवाद की जो बातें सामने आ रही है कि कोई ब्राह्मण, जिन लोगों ने जात पात का जोर जहर घोड़ा था, उन लोगों को इस चुनाव में तो फीसदी लोग सुरक्षित। सर कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि तीनों मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं तो परमात्मा से भी इस बात की प्रार्थना करूंगा कि तीनों इकट्ठे हो, कम से कम प्रदेश देश के लोगों को पता लग जाए कि चोरों का टोल इकट्ठा है। ठीक है, तो ये आपने देखा है नेलो नेता अभय सिंह चौटाला जो है आज करनाल पहुंचे थे, करनाल की जाट धर्मशाला में एक अहम मीटिंग जो है लोकसभा चुनावों को लेकर उन द्वारा आज यहां पर की गई, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मिलकर जो है लोकसभा चुनावों को लेकर एक विशाल चर्चा भी की। और हम आपको बताएं कि सीधे तौर पर अभय सिंह चौटाला ने इस बात से इनकार कर दिया है, उनका कहना है कि INLD आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं जब उनसे यह भी पूछा गया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चर्चाएं हैं कि वह तीनों मिलकर जो है चुनाव लड़ सकती हैं, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े ताकि प्रदेश की जनता को जो है उनके बारे में पता चल पाए। बहरहाल आपने देखा कि किस तरह से जो कल अभय सिंह चौटाला की जो मुलाकात हुई थी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, उस पर हालांकि उन्होंने ये सीधे तौर पर जिस तरह से आज ये स्पष्ट की है कि जो सीटें हैं लोकसभा की उन पर अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है और इनेलो जो है 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।